गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में आज हम लोग एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। पिछली कहानी हमने फांसी मणि मधुकर द्वारा रचित पूरी पढ़ ली थी। उस कहानी के 5 वीडियोस आप लोग देखिए और उससे उसके बड़े छोटे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, व्याख्या के बारे में पता चलेगा। आज की हमारी कहानी का नाम है गदल। गदल रांगे राघव द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है। रांगे राघव का परिचय सेपरेट वीडियो में दिया जाएगा। गदल हिंदी की सशक्त कहानियों में मानी जाती है। स्त्री जो कि इस कहानी की धुरी है, गदल उसके नाम पर यह कहानी है। नायिका प्रधान कहानी इसलिए हम इसको कह सकते हैं। गांव में, सुदूर देहात में, आदिवासी इलाकों में जिधर नाता प्रथा है, एक विवाह को बाकायदा नहीं तोड़कर, कानूनन नहीं तोड़कर, समाज की रजामंदी से दूसरे के यहाँ बैठ जाना कहलाता है। उसके एवज में पूर्व पति को नया पति कुछ रकम अदा करता है और उसके नाम की, नए पति के नाम की स्त्री अपनी इच्छा से चूड़ी पहन ले, बस यही रस्म अदायगी इसमें होती है। ऐसा गदल के जीवन में किस तरह से हुआ, किस तरह से उसने अपने पति के मरने के बाद अपने बेटे बहुओं के बीच से अपने को दूर किया और एक नए व्यक्ति के साथ जाकर रहने लगी, ये जो छोटी सी रस्म है उसको भी बिना पूरा किए हुए बस अचानक चल पड़ना, उसके पीछे कारण क्या था और वहां से लौट क्यों आई, ये सब कुछ हम इस कहानी में पढ़ेंगे। जब कहानी पूरी तरह से हम पढ़ लेंगे उसके बाद में इस कहानी की मूल संवेदना से जुड़ा हुआ 20 नंबर का एक प्रश्न अलग से आपके सामने रखा जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा। फिलहाल हम गदल कहानी शुरू करते हैं। गदल नाते रिश्तों से भरी हुई बहू बेटियों पोते और नातिन के बीच में रहने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसका देवर उसका हमउम्र है और उसके पति के मरने के बाद वो उसे नहीं अपनाता, जैसा कि उसके गांव में प्रथा थी अपना लेना चाहिए था, पर उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थी और उससे दुखी होकर, उससे आहत होकर स्वाभिमान को ठेस पहुंची देखकर गदल चली जाती है और डोटी यानी गदल के देवर के मरने की खबर सुनते ही अचानक लौट आती है और किस तरह से फिर वो गांव में मृत्यु भोज करती है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। बाहर शोरगुल मचा, डोटी ने पुकारा कौन है, कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारित तुझे कत्ल कर दूंगा। एक आवाज होती है दरवाजे पे तो डोटी पूछता है कि कौन है, इस कौन है का जवाब नहीं मिलता। उसको एक आवाज सुनाई देती है जो उसके भतीजे निहाल की है, वो कह रहा है हत्यारिन और मैं तुझे मार डालूंगा। सॉरी, छींक आ गई, इस पर कोई रोक नहीं है और आप तक वायरस नहीं पहुंचेंगे, है भी नहीं। अपने भतीजे की आवाज वो सुनता है, अब स्त्री की आवाज सुनाई देती है, करके तो देख, तेरे कुनबे को डाइन बन के ना खा जाऊं को निपूते।
एक औरत की आवाज आती है कि करके देखो, तेरे पूरे कुनबे को डायन बन के नहीं खा जाऊं तो मुझे बता देना। डोडी बैठा ना रह सका, ये आवाज सुनकर डोडी बाहर आया, बैठा नहीं रह सका। क्या करता है, क्या करता है निहाल, आखिर तेरी मैया है। अपने भतीजे को डोडी समझा रहा है कि क्या कर रहा है बेटा, ये तेरी माँ है जिससे तू ऐसे बात कर रहा है, और वो क्यों नाराज है, एक जवान लड़के की माँ घर छोड़कर चली जाए। इतना आधुनिक हमारा समाज हुआ नहीं है, स्त्री की रजामंदी के बिना उसके साथ छेड़खानी, रेप, हत्या, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी इच्छा से वो घर छोड़ दे, घर की दहलीज को परम पवित्र बंधन माना गया है। अंदर वो मार खाती रहे, अंदर वो गालियां खाती रहे, अंदर वो घूटती रहे, सब बर्दाश्त है, लेकिन वो बोल दे कि उसको अब यहाँ नहीं रहना है, और कहाँ रहना है ये वो तय कर ले, ये चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। और निहाल की नजरों में इसकी माँ ने दहलीज लांग कर गुनाह किया है, और वो आई है, लाई गई है पकड़ के, और दोनों लड़ रहे हैं, और उसका चाचा निहाल का डोडी कहता है कि ऐसा नहीं कहे क्योंकि वो उसकी माँ है, मैया है, इतने गुस्से में कहता है और हट जाते हैं पीछे। अरे तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकार कर कहा, कढ़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां चलवा दूं, समझ रखियो, मत जान रखियो हाथ तेरी, आज तू नहीं हूं, तू हाथ लगा के देख। निहाल बहुत गुस्से में अपने बेटे को कहती है, लगी नहीं रहा कि माँ बेटे हैं, बहुत तैश में कह रही, हाथ लगा के देख, तेरी लाश पे मैं भी बिल्लियां नचवा दूं, अपने ही सगे बेटे को, जवान बेटे को कह रही है। लेकिन देखिए, गुस्से में माओं की डांट अगर आपने खाई हो और उसके कुछ देर बाद में चोट लगने पर फूंक मारने का एहसास आपको हो, पट्टी मरहम का आपको एहसास हो, तो आप समझ सकते हैं कि गुस्से में तो मर जा, आग लग जाए, खत्म हो जाए, मैं दुखी हो गई तुम लोगों से, वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन जरा सा आपके गर्म हवा भी लगते ही किस तरह वो दौड़ कर आती है, ये चीजों का एहसास हो सकता है। अगर आपको हो तो आप इस गदल का अंतिम रूप, असली रूप कहानी के अंत में देखेंगे। फिलहाल वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको ये अपशब्द बर्दाश्त नहीं है। जब उसने बोला कि मैं तेरी आसरे पड़ी नहीं हूं और हाथ लगा के देख, तो भाभी डोडी ने कहा, क्या भक्ति है, होश में आ। अब भाभी को भी कह रहा है कि भाभी तू क्या बोल रही है, तू होश में आ, आराम से बात कर, क्या भक्ति है। वो आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम लोग सब जाओ। डोडी ने सबको भेज दिया, उसके अलावा निहाल था और भी कुछ लोग होंगे जिनका नाम नहीं है, कहता आप लोग जाओ, यानी उसको अब बात करनी थी अपनी भाभी से। निहाल हट गया, चाचा की बात टालता नहीं था, उसके साथ ही सब लोग भी इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पड़ के नीचे लगा बरंडा पकड़े खड़ा रहा। फूस का जब घर होता है, जो झोपड़ी होती है उसमें जो लकड़ी की बल्लियां लगी होती है झोपड़ी को टिकाए खड़े रखने के लिए, उसको बरेंडा कहा गया, उसको पकड़ के वो खड़ा है। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, गुस्से में जैसे एकदम लाल होकर कि वो वहां धम से बैठ गई, आंखों में आग सी जल रही है उसके, उसकी जो भी की स्थिति, इसका मतलब उसको अपराध बोध नहीं है, उसने गलत नहीं किया है, उसको कतई नहीं लगता कि उससे गलती हुई है, इसलिए वो गुस्से में है जिस तरह से उसको लाया गया है इस घर में। उसने कहा, मैं जानती हूं निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर, बताती है कि उसके बेटे में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से घेर के मां को घर वापस ले आए, ये उसी ने किया है ना। देवर संबोधित कर रही है कि देवर तुमने बुलाया ना मुझे पकड़ के। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है, अभी उसने उसको नाम से संबोधित किया है।
हाँ गदल, ये मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, क्यों तुझे क्या जरूरत थी, क्यों किया ऐसा, क्या जरूरत थी तुमको मेरी। डोडी कह नहीं सका। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो चाहती थी कि डोडी उसको रोक ले और वो रोक नहीं सका, और बहुओं बेटों के ताने वो सुन नहीं सकी, वो चली गई। और अब डोडी ने बुलवाया है तो वो मुंह से सुनना चाहती है कि डोडी कह दे कि कहीं नहीं जाना, यहीं रह, मैं रखूंगा। पूछती है लेकिन डोडी कहता नहीं है। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा, सर से पांव तक उसकी झंझनाहट हो गई नसों में। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर उसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। 50 साल की उम्र है डोडी की और हट्टा कट्टा लंबाई खूब, झोपड़ी की छत तक जैसे उसकी गर्दन पहुंच रही हो। छोटी छोटी होती है झोपड़ियां, बहुत ऊंची भी नहीं होती। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके कंधे की जो चौड़ी हड्डियां, इस पर झोपड़ी के दिए की रोशनी आ रही थी। उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। जैसे गांव में लोग धोती पहनते हैं, पहले पूरी नीचे लटका के फिर वापस एक झोल देकर के ऊपर बांध लेते हैं, ऐसे इसने धोती बांध रखी थी। कितने सजीव चित्रण की ये पंक्ति है कि उसके शरीर पर मोटी फतूही थी और उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। हाथ उसका एकदम लंबा चौड़ा कड़ा मजबूत, मेहनती है, वो खेती करता है, लेकिन वो निस्तब्ध खड़ा था। आप जिनके लिए भावनाएं रखते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनके सामने आपके शरीर का बल गौण होता है। आप मन से उनके लिए पिघले हुए होते हैं, संतप्त होते हैं, दुखी होते हैं, भीगे हुए होते हैं, आपकी ताकत भी यही होती है उस समय। स्त्री उठी, वह लगभग 45 वर्षीय थी, 5 सालों का अंतर है। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा था। स्त्री अब खड़ी हो गई है, उसकी उम्र 45 साल थी। रंग उसका गोरा था लेकिन आयु के धुंधलके से काम करती है, मेहनती है बहुत, और उम्र का एक जो झावा पड़ रहा है उससे वो थोड़ी सी रंग उसकी जो स्थिति है रंग की वो दबी हुई दिख रही है। उसके शरीर के रंग के लिए लाइन आई है कि उतना गोरा दिख नहीं रहा जितना है। उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी, उसको देख के लगता था कि काम करती है, तेजी है इसके। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी। 12-13 साल के पहले की उम्र पता नहीं, लेकिन मतलब छोटी बच्ची की शादी हो गई थी और उसके बाद से वो लगातार काम करे जा रही है और इतनी मेहनत की है कि शरीर के अंग प्रत्यंग 45 साल के अकॉर्डिंग ढलने के बावजूद उसके शरीर में एक फुर्ती है। तुझे शर्म नहीं आती गदल, डोडी ने पूछा। एक सवाल डोडी इससे करता है, तुझे शर्म नहीं आती, क्यों शर्म क्यों आएगी। गदल ने भी एकदम बेइख्तियारी से जवाब दिया, क्यों शर्म की क्या बात की है मैंने। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया, एकदम से सकते में पड़ गया कि जरा भी शर्मा नहीं रही है कि मैं ये घर छोड़ के चली गई, मैं किसी और के पास पत्नी की हैसियत से या पत्नी की तरह से रहने चली गई। पत्नी नहीं है, पत्नी की तरह मतलब रखेल, वो बनकर के रहने चली गई, इसको शर्म भी नहीं आती है। और भीतर से चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ये बात अंदर तक पहुंची, निहाल के कानों में मां की आवाज पहुंची कि शर्म क्यों आएगी मुझे,
अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब आप कहानी के मर्म तक पहुंचेंगे तो निहाल की व्यथा और निहाल के चले जाने का कारण, निहाल नहीं गदल के चले जाने का कारण आपको पता चल जाएगा। लेकिन गदल ने जो कहा कि शर्म क्यों आएगी, ये बात अंदर कमरे में निहाल तक पहुंची तो वहीं से चिल्ला के कहता है शर्म क्यों आएगी इसको, शर्म तो उसको है जिसकी आंखों में लज्जा बची हो, हया बची हो। ये बात तो डोडी को बुरी लगी, डोडी चिल्लाया कहता निहाल तो चुप रहे, बहुत जोर से बोलता है तो चुप रहे, फिर आवाज बंद हो गई। गदल ने कहा मुझे क्यों बुलाया है तूने, गदल कहती है मुझे किस लिए बुलाया है, वापस क्यों। डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, पूछा रोटी खाई है, इसका जवाब नहीं दिया, एक नया सवाल पूछता है कि तूने खाना खाया, नहीं। गदल ने कहा खाती भी कब, कबक्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरणे कंडे बीन कर लिए जा रही थी, खाती कब, खेत गई थी, खेत से लौटते में अंडे और अंडे नहीं कंडे और अरणे बीन रही थी। देखिए जिनके घरों में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, इंडक्शन है, रॉड है, ओवन है, उनकी बात इस कहानी में नहीं हो रही है। आप अगर गांव के रहने वाले हैं या आपने गांव की जिंदगी को नजदीक से देखा है तो जिनके खेत हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, जिनके खेत नहीं है, गैस भी नहीं है, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो वो खेतों की जो रोही है, भीड़ है, वहां निकल जाते हैं। औरतें लकड़ी चुनती है रास्ते में आते जाते, और मवेशियों को खेत में लाने ले जाने के दौरान किसान जब अपने मवेशी ले जाते हैं या आवारा पशु, वो जब रास्ते में गोबर कर देते हैं, पड़ा पड़ा ही सूख जाता है, उन गोबर को वो बीनती है उठा उठा के, चुन चुन के, साथ में एक टोकरी परात तसला कुछ रखती है, वो गोबर के कंडे छोटी मोटी लकड़ी किसी के खेत की बाड़ से निकाल लेना कैसे भी करना, वो लाती है तो आके चूल्हे में खाना बनता है। तो ऐसा नहीं है कि गदर को एकदम गरीब दिखाया है या जिनके खेत नहीं है वही करते हैं, लकड़ी का और गोबर के कंडों का बहुत महत्व है गांव के जीवन में। ईंधन के बिना रोटी नहीं बनती, रोटी बनाने के लिए उनको सिर्फ गैस का कान नहीं मरोड़ना पड़ता, गैस चूल्हे का, उनको उसके पहले लकड़ी अगर खेत से आई हुई है तो छोटे टुकड़े करके रखने पड़ते हैं, गोबर को पात करके थाप करके उसके उपले बनाने पड़ते हैं, ठंड का मौसम हो जाए धूप कम हो तो उनको तोड़ तोड़ के फिर से सुखाना पड़ता है, पलटना पड़ता है, अंततः तब फिर वो चूल्हे के पास ला के रखे जाते हैं, खाने बनाने के पहले की तैयारियां करनी पड़ती है। तो ये कह रही है कि मैं खाना खाती कब, खेत से लौटते टाइम सूखी लकड़ियां कांटियां और ये उपले बीन रही थी, ये मुझे पकड़ के ले आए। डोडी ने पुकारा निहाल बहू से कहा अपनी सास को रोटी दे जा। डोडी के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्या उसने शुरू से थी लास्ट तक रहेंगी, कहता है बहू को बोल सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लौहारों की बैहर आई है, इन्हें क्या गरीब खारियों की रोटी भाएगी, ये लोग खारी गुजर है और ये इनसे नीचे माने जाने वाले तबके में लोहारों के चली गई। अंदर से एकदम कटाक्ष आता है बहू का कि लोहार के यहाँ की बहू आई है हमारे घर में दुल्हन, वो गुजरों की गरीब की रोटी थोड़ी खाएगी। कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया उसकी इस बात के बाद, कुछ तो हंसी है, हा। मतलब एक ने बोल दिया दूसरी हंसी है, निहाल चिल्लाया सुनले परमेश्वरी जग हसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। वो तो गुस्से में कह रहा है कि सुन ले देख क्या हो रहा है, खारी गुजरों की नाक कटा दी, पूरे मोहल्ले में हसाई हो रही है। किन किन चीजों से हमारी इज्जत जुड़ी हुई है, उनमें से सबसे बड़ी चीज यही है औरत, पर्सनल प्रॉपर्टी है, कहाँ रहे, कितने दिन रहे, कैसे रहे, ये सब सोसाइटी तय करती है। उनको गर्भ में मार दिया जाना है कि उनको पैदा करना है,
उनको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है तो कितना पढ़ाना है, आर्ट्स दिलाना है, साइंस दिलाना है, नहीं दिलाना है। आपको सब कुछ लग रहा होगा कि इस कहानी से कोई रिलेशन नहीं है, ये सब कुछ है। मेरी बेटी मेरा अभिमान एक कैंपेन भी चला था पीछे। आप अगर सोच पाए तो जिस चीज पर आपको अभिमान होता है उसकी आप जान दे भी सकते हैं, उसके लिए जान ले भी सकते हैं। मेरी बेटी भी एक इंसान वाली थॉट विकसित करनी होगी। सब इंसान होते हैं, किसी पे अभिमान या शर्म नहीं करनी होती है, और सबको अपने अपने हिस्से की जिंदगी जीने की स्वतंत्रता होती है। किसी भी देश का जो राज है, जो उनकी न्यायिक व्यवस्था है, वो संविधान से चलती है। संविधान में जेंडर के अकॉर्डिंग अधिकार और कर्तव्य नहीं होते। संविधान में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, हम लोग नागरिक हैं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं। तो इस कहानी में एक बालिग भी नहीं, बालिग बच्चों की माँ बाप को में से माँ को ये हक नहीं है कि वो अपने बारे में डिसीजन ले सके, फैसला ले सके। उसका चला जाना बहुत ही चाल चलन के खिलाफ समझा जाता है। उसका खुद का बेटा तो बोल ही रहा है, बहू भी बोल रही है, और कारण पर गौर कोई नहीं कर रहा कि वो क्यों चली गई थी। इन्हीं लोगों के इन्हीं शब्दों से दुखी होकर वो गई थी। आगे इस कहानी में क्या होता है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।